वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यूज टेस्ट में आपसे पूछेंगे 10 सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे जो कि कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ईडीपी क्या है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे सवाल नंबर टू, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा को। आगे सवाल नंबर तीन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है चीन वे संख्यात्मक सूचना को, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल नंबर चार, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। आगे सवाल नंबर पाँच, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। आगे सवाल नंबर छः, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सवाल नंबर सात, एटीएम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। आगे सवाल नंबर आठ, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि यह आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। सवाल नंबर आठ, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। आगे सवाल नंबर नौ, प्रथम गणना यंत्र है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। अबेकस काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आगे पूछेगा भी। सवाल नंबर दस, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खेल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।